चीन जैसे जैसे कोरोना के संकट से बाहर आता जा रहा है और पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है, वैसे वैसे अब इस वायरस को लेकर दुनिया के सभी देशों की शक की सुई चीन पर जाकर थमनी शुरू हो चुकी है। इसी का उदाहरण हमें कल भी देखने को मिला, जब भारत, रूस समेत अमेरिका ने भी जैविक हथियारों के विकास और उनके उपयोग को रोकने हेतु की गई BTWC संधि की 45वीं वर्षगांठ पर दिए अपने अपने बयानों में कोरोना वायरस शब्द का उपयोग कर लिया। इन सभी देशों ने कोरोना वायरस या इसकी वजह से होने वाली बीमारी COVID-19 का जिक्र करते हुए जैविक हथियारों के रोकथाम की ज़रूरत पर प्रकाश भी डाला। भारत ने कल जारी किए अपने बयान में कहा, कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्थागत मजबूती सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत संधि में शामिल अन्य सदस्य देशों के साथ काम कर रहा है ताकि जैव खतरों और जैव आपात स्थितियों से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए आंकड़े जुटाए जा सके। भारत का मानना है कि BTWC को नए और उभरते वैज्ञानिक और तकनीकी घटनाक्रम से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देना चाहिए। इस प्रकार भारत ने न सिर्फ कोरोना को लेकर चीन पर निशाना साधा बल्कि WHO की निष्प्रभावी भूमिका को भी लपेटे में ले लिया। अमेरिका और रूस ने भी अपने अपने बयानों में कोरोना वायरस या COVID-19 शब्द का प्रयोग किया और चीन को एक कड़ा संदेश भेजा। जब से ये वायरस दुनिया के सामने आया है तभी से कुछ लोग इस वायरस को चीन का कोई जैविक हथियार घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। पर इतना ज़रूर है कि चीन में अब ये वायरस काबू में आ चुका है और चीन में आम जनजीवन दोबारा सामान्य होता जा रहा है। दुकानें और फैक्ट्रियां दोबारा खुलनी शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ इसी वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। चीन पर ये आरोप भी लग चुके हैं कि उसने WHO के साथ मिलकर पूरी दुनिया को इस वायरस के बारे में झूठ परोसने का प्रयास किया और पूरी दुनिया को भ्रमित किया। उदाहरण के लिए WHO ने शुरू में इस बीमारी को लेकर कहा था कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, परंतु WHO का ये दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ। कोरोना वायरस ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि किसी भी महामारी से निपटने में आज की स्थिति में WHO अक्षम है और इसमें बड़े सुधारों की आवश्यकता है। इसके साथ ही कोरोना के आने से दुनिया को एक बार फिर जैविक हथियारों के बड़े खतरों के बारे में पता चल चुका है। चीन जैसे अलोकतांत्रिक और कम पारदर्शी देशों द्वारा जैविक हथियारों का विकास करने की आशंका पहले ही बढ़ी हुई होती है, वहीं कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस के सामने आने से ये आशंका यकीन में बदलती दिखाई दे रही है, जो भारत, अमेरिका और रूस के बयानों से साफ जाहिर होता है।